जयपुर में हत्या की वारदात सामने आई है, जहां एक युवती पर कार चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना जवाहर सर्किल क्षेत्र के गिरधर मार्ग की बताई जा रही। युवती क्लब से पार्टी करके निकली थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। युवती की पहचान उमा सुथार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम मंगेश अरोड़ा बताया जा रहा है। जवाहर सर्किल थाने के इंचार्ज दलवीर सिंह के अनुसार इलाज के दौरान युवती उमा सुथार की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त राजकुमार जाट गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों के बारे में ये पता है कि दोनों ही वहाँ पे खाना खाया है दोनों ने, लेकिन एक पक्ष जो है वो शराब भी पी रहा था और उसके साथ कुछ और लोग भी थे, और उन्होंने पूरी रात पार्टी की। सुबह 5:30 जब निकलने लगे तो परिवादी के अनुसार जो उसके साथ जो महिला थी उस पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के मामला बढ़ा, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक पहुंच गया, जिसकी परिणति इस तरह से रोड पर अचानक गाड़ी दौड़ाकर चलाने से युवती नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। दरअसल आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला कि उमा सुधार राजकुमार जाट के साथ होटल में गई थी। दोनों युगल पार्टी करके होटल से सुबह 5 बजे के आसपास बाहर निकले। इनके साथ और एक जोड़ा भी बाहर आया, जिसको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। ये एक दूसरे के जानकार बताए जा रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज से ही पता लगा कि इन लोगों के बीच आपसी कहासुनी हो गई थी। इसके बाद आरोपी मंगेश अरोड़ा ने अपनी गाड़ी से डंडा निकालकर हमला करने का प्रयास किया, जिसमें काम होने के बाद मंगेश अपनी गाड़ी में जा बैठा और उसने गाड़ी उमा सुथार और राजकुमार जाट पर चढ़ा दी, जिसके कारण राजकुमार जाट छिटक कर दूसरी तरफ गिर गया और उमा सुथार गाड़ी के नीचे आ गई, जिसको अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।